बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार दही बल्ले या फिर दही बड़े, जो आप कहना चाहें, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन, तो बेसन को छान के लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है 1/2 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी अजवाइन, और यहाँ पर लिया 1/2 टीस्पून नमक या हसबे ज़ायका 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, यहाँ लिया 1 टीस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लेंगे और अजवाइन जो है वो हाथों से थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हम अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करेंगे। हमने यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ज़ीरा और अजवाइन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा क्रश करके इसमें ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है एक नॉर्मल पानी, ना गर्म ना ठंडा, बस नॉर्मल पानी होना चाहिए, 1 कप लिया है। उसी से हम इसका घोल जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सा एक घोल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें घोल कैसा रेडी करना है वो हम आगे चल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन है आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। हमने इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल किया है और अब यहाँ पर हमें इसको तकरीबन 1 मिनट तक के अच्छा सा फेंटना है। तो बहुत ही अच्छा सा इसको फेंटना है हमें, ताकि हमारा जो बेसन है वो हल्का हो जाए और हमारी जो पकौड़ियाँ बने वो बहुत ही हल्की सी बने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो इसके लिए हमें बेसन को बहुत अच्छा सा फेंटना है। तो तकरीबन 1 मिनट तक ये बहुत ही अच्छा सा हम इसको फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है हमें इसको फेंटते हुए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा, यानी बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है, बस हमें हल्का सा मिक्स करना है। और अब हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसन है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और हमारा जो दही बल्लों का मसाला है वो रेडी कर लेते हैं, जो बहुत ही मज़े का होता है। तो चले उसे रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 हमने लिए हैं गोल वाली मिर्ची, जो लाल वाली होती है सूखी, वो हमने लिए है। और उसी के साथ लिए 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और यहाँ लिए हमने तकरीबन 8 से 10 काली मिर्ची, और यहाँ पर लिए हमने 1 टीस्पून साबुत धनिया। तो बस इन 4 चीज़ों को हम अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छा सा पीस लेंगे, मतलब पीसना नहीं है हमें, कूटना है। तो यहाँ पर हमने ड्राई रोस्ट करने के लिए एक पैन ले लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा खड़ा मसाला है उसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। तो बहुत ही अच्छे से जब खुशबू आएगी इसमें से, तब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो चलिए इसको अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है और अब हमें इसको दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ पर हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड पर। और यहाँ पर हमने तवा ले लिया है, उसके अंदर हमने ऑयल ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर पकौड़ियाँ जो है फ्राई करनी है। अगर हम कढ़ाई में करते तो वो गोल गोल जो होती है ना, पानी की जो जिसको कहते हैं पकौड़ियाँ, वो वाली बन जाती, इसलिए हमने यहाँ पर तवा लिया है, ताकि हम इसमें जब बनाएंगे तो वो एकदम से फ्लैट बनेंगी और बिल्कुल जो पकौड़ा होता है उसकी शेप में आएंगी। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से पकौड़े जो हैं हमारे रेडी कर लेंगे। तो चले हमने इसमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इन सब पर एक डॉट से निकल आए हैं, आप देख सकते हैं बबल बबल से आ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से नीचे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें सबको पलट लेते हैं, उसके बाद हम नीचे से भी इनको फ्राई होने देते हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आने देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह से कलर आ चुका है। तो चले हम इन निकाल लेते हैं और बाकी के जो हमारे बचे हुए पकौड़े हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये दूसरा जो बैच है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलें इसे निकाल लेते हैं। तो चलें दही बल्ले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको रेडी कर लिया है और अब हमने इनको थोड़ा सा ठंडा करना है। तो यहाँ पर ये इतने ठंडे हो चुके हैं कि अब हम इसमें पानी ऐड कर सकें। तो यहाँ पर हमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे से भीग जाए। तो चलिए इन्हें कवर करके साइड पर रखते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं तकरीबन 2 कप दही हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 कप दही ले लिया है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना नमक या हसबे ज़ायका, तो नमक इसमें ऐड करना है और उसको बहुत ही अच्छा सा फेंटना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है और अब हमने यहाँ पर जो मसाला रेडी किया था दही बड़ों का,
तो वो इसमें हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा मसाला हम ऊपर से गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे साइड पे रखेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको और स्पाइसेस मतलब डालने हैं या इसको ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसेस रखना है तो आप इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तकरीबन एक कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा दही को पतला करना है। तो यहाँ पर हमने एक कप जितना पानी इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो दही भल्लों का दही है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें हमारी जो पकौड़ियाँ हैं जो हमने बना कर रखी हैं वो इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पकौड़ियाँ ले ली हैं। पकौड़ियों को पानी में भीगे हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने एक पकौड़ी ली और उसको दोनों हाथों के बीच में प्रेस किया, उसका जो पानी था एक्स्ट्रा वो निकाल लिया है और इस तरीके से हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत है जितना आपको खा सकते हैं आप उतना इसमें आप ऐड कर लें। बाकी की जो पकौड़ियाँ हैं वो आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं और उसको दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद ये वाली जो पकौड़ियाँ हैं हमारी उन्हें हम सेव करके रख देंगे। तो चले हम इसमें ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पकौड़ियाँ जो है वो इसमें ऐड कर ली हैं और अब हम यहाँ पर जो हमने बचा के रखा हुआ था मसाला वो भी हमने इसके ऊपर से ऐड कर दिया है। ये बहुत ही मज़े का मसाला होता है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं लेकिन हम इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा एक तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकौड़ियाँ जो फ्राई की थी उसी में से हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था। और यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून गार्लिक जो हमने उसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पर हमने चॉप नहीं किया है, यहाँ पर हमने स्लाइसेस कट किए हैं। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे बिल्कुल ज़रा सा ताकि हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, तो इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, अगर आपके पास फ्रेश है तो डाल दें, अगर आपके पास स्टोर किया हुआ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब फ्रेश ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगता है वो और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए हम दही भल्लों में जो हमारा तड़का है वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको उसको निकाल कर दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं, ये इतने मज़े के बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से कट हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि आप जब मुंह में रखेंगे तो आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे, ये इतने सॉफ्ट बने हैं। तो आप जब एक बार खाएंगे तो इसे बार बार खाने का दिल जाएगा आपका, ये इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो आपको यहाँ पर ये दही भल्लों की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।